नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हार्ट जीके टॉप जीके। दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में 2 से 4 मार्क दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर एक बार में नहीं आ सकता है तो वीडियो को 2 से 3 बार देखें, अवश्य याद हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? आपका वो है ले। जी हाँ, ले एक सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ले। आप लोग याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो वो है ले। अगला सवाल करते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? जी हाँ, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? आपका वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। वो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट सवाल कर देते हैं, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल मसूदी के द्वारा किया गया था। जी हाँ, मानसून, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? अल मसूदी के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वो है आपका जम्मू कश्मीर में। आप लोग इसे याद रखिएगा, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? वो है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? जी हाँ, पूछा जा रहा है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? वो है आपका करेक्ट आंसर रांची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, रांची में, रांची के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है? चारों ऑप्शन में से कौन सा भारत निर्माण का अंग नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण टेलीफोन। आपका करेक्ट आंसर है कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? वो है आपका जीवन तरंग योजना। ऑप्शन नंबर सी, जीवन तरंग योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है। बाकी ये सब योजनाएं, वृद्धा पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, स्वच्छ जल योजना, ये भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है, लेकिन जीवन तरंग योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्स और टिमस पद संबंधित हैं। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, ट्रिप्स और टिमस पद किससे संबंधित हैं? वो है आपका WTO से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ट्रिप्स और टिमस पद किससे संबंधित हैं? तो ट्रिप्स और टिमस पद WTO से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? यह सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? वो कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर है एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर होता है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर होता है? वो है आपका राज्य सरकार पर निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत के चुनाव कौन करवाते हैं? तो वो राज्य सरकार करवाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? जी हाँ, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? आपका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, पंचायती राज की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? यहाँ से जगह पूछ रहा है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? आपका करेक्ट आंसर है, नागौर राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया था? तो किया गया था नागौर राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल करते हैं, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, जी हाँ पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1953 को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना कब शुरुआत की गई थी? 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, ये आपको बताना है, भारत में महिलाओं के लिए इनमें से किसमें स्थान आरक्षित है? वो है आपका पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है इनमें से किन में? तो वो है पंचायती राज संस्थाओं में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? ये आपको बताना है, कंप्यूटर में अधिकतर त्रुटियां किस कारण होती हैं? वो होती हैं डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। जी आपका डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण ज़्यादातर त्रुटियां होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? जी हाँ, इसमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ये सभी क्या है? हार्डवेयर हैं, लेकिन एक्सेल जो है आपका हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल क्या है? एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, एक्सेल। तो निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो वो है एक्सेल।
एक्सेल क्या है? एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण होती है, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, शुष्क सेल की धनात्मक क्षण किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? जी हाँ, कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं, एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम अपरूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को अपरूप कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? जी हाँ, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं हम लोग? आपका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण। पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण उसे भारी पानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है वो क्या कहलाती है? आपका करेक्ट आंसर है डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है जिससे धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है। जी हाँ, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपका करेक्ट आंसर है वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम है, लेंज का नियम क्या है? इनमें से लेंज का नियम क्या है? चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को आप लोग देख लीजिए। लेंज का नियम क्या है? वो है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? वो है आपका करेक्ट आंसर 18 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक की सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, वर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, वर्नार्ड के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? वो किया था लेनेक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, लेनेक ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार किया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेलीओंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है?
जी हाँ, पेलियोन्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आपके चार ऑप्शंस हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। पेलियोन्टोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो पेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वो किया जाता है जीवाश्मों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के, जो आपके जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और आशा करते हैं आपको एग्जाम्स में 2 से 4 मार्क्स दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।